नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं TSTV न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। पद्मा नगर में 50% सहूलत में खून चेकअप का लैब का उद्घाटन। देश भर में COVID-19 के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये सभी को पता है। अमीर लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर, कुछ लोग पैसे देकर तो कुछ लोग मेडिक्लेम के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों को बुखार आने से आता है तो भी कुछ डॉक्टरों की मिली भगत से पेशेंट को हर तरह के चेकअप के माध्यम से बहुत सारे पैसे लूट रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भिवंडर शहर जिला अध्यक्ष श्री संतोष डी के मार्गदर्शन में भारतीय जन औषधि मेडिकल के मालिक वनम श्रीनिवास के प्रयत्न से के मेडिकल में लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें 50% सहूलत में कई तरह के चेकअप किए जाएंगे। इस सुविधाओं का उद्घाटन माननीय श्री भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के शुभ हाथों से किया गया है। इस अवसर पर नागेश उपला, ओंका मल्लेशम, राजेंद्र वासम, शेखर नोबला, बासा रविंदर, पल्लकाटी लक्ष्मीनारायण, चिट्टियाल राजेंद्र के साथ कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनता उपस्थित थे और साथ ही लैब संबंधित कई डॉक्टर भी उपस्थित होकर आए हुए लोगों का चेकअप कर रहे थे, जिसका कुछ लोग कई लोगों ने आकर लाभ भी लिया गया है और लिया जा रहा है। इस मेडिकल के मालिक वनम सिन्हू ने आए हुए सभी मेहमानों का सत्कार सम्मान किया है। चलिए देखते हैं। तारीख में बहुत जरूरी है क्योंकि अपन तो कोविड से तो लड़ ही रहे अपन, और अभी थोड़ा मलेरिया वलेरिया का भी बहुत सा साथ दिख रहा है बहुत जगह पर, और मलेरिया का मेन ब्लड टेस्ट करना है। और आप लोग को बहुत हालत खराब, परिस्थिति खराब है, काम धंधा बंद है, तो इसी डर से बाहर निकल नहीं रहे, और मेडिकल में दवाखाने में बहुत लोग आपके हिसाब से जा भी नहीं रहे, क्यों पैसा खर्चा होगा हमारा। पैसे ब्लड एक ऐसा चीज़ है, तो ब्लड से एक चेक करने में आपको पता तक पले रहे कि टाइफॉइड है क्या, और कुछ BP शुगर कुछ है। लेकिन आज बहुत अच्छा, मैं सिन्हू को जो हमारा एक छोटा भाई से मेडिकल चला था अच्छा, और वो देश के प्रधानमंत्री का जो मेडिकल है जिसके चालू अध्ययन औषधि केंद्र, तो बहुत लोग को राहत मिली है। तो दवा 85 रुपये मिलता है, वो इधर 10 रुपये मिलता है। ऐसी आज एक और एक अच्छा राहत देखने मिला, जब मुझे बोला अन्ना सब आओ, तब बाबा पैसा कितना लगेगा पहले बोल, फायदा करनी अन्ना फायदा है। जैसे कि 250 रुपये का जो चीज़ है वो 99 में दे रहे, और 700 रुपये का जो है वो 250, हर चीज़ ने 50 तक का। तो मैं जो ब्लड बैंक कलेक्शन सेंटर है इनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, फातिमा लैब को बधाई देता हूँ। ऐसी ही चीज़ आज ये पैसे मिल गया, सब दे करो, बहुत ज़रूरी है। आज जैसे हर एक आदमी सपोर्ट दे रहा है, हर एक आदमी व्यापारी हो, पत्रकार हो, कोई बिजनेसमैन हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, हर जगह फील्ड में हर लोग आज के टाइम में मदद कर रहे हैं, हर लोग कॉर्पोरेट हमारे नगर से हो, NGO से कितना है। तो ऐसे ब्लड बैंक में अगर बाहर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएगी, बहुत से पेशेंट भी जाते नहीं, तो वो देखता पहले जेब कितना है। तो आज फातिमा पैथोलॉजी लैब के जो भी मेन है वो अभिनंदन करना चाहता हूँ। बाकी भी लैब अगर मुझे कुछ सुनते हो गए तो वो ये प्रक्रिया चालू करना चाहिए कि जितना लोग की आप सेवा दोगे उतना अपना भिवंडी मजबूत होगा, उतना अपना भिवंडी के हर एक नागरिक उनका जो तबीयत है उतना हम लोग उसको अच्छा करने का मौका मिलेगा। तो फिर से मैं सीनू और फातिमा के जितने उनके जो भी डॉक्टर्स हैं उनके मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो काम आपने शुरू किया। इसमें मैं खाली इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि इसमें जो शुगर का है आपका जो स्कीम में शुगर ऐसा ऐड करो कि बहुत से लोग शुगर जानते नहीं, और आज जो कोविड में ज़्यादा क्या हो गया, जहाँ शुगर बहुत कम है उनको भी बहुत से इफेक्टेड हुआ है, तो वो भी अगर इसमें ऐड करके अगर वो उसको भी फ्री, अगर तुम 700 में इतना बातचीत ले रहो, CBC मलेरिया टाइफाइड लेकिन HB ECR इसमें शुगर भी टेस्ट कर लेगा तो कहाँ ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिल फिर से। लेकिन सुनने का सुनो अर्थ में अच्छा काम करता है। आज प्रधानमंत्री जी का हमारा जो मेडिकल इन्होंने शुरू किया जिससे पूरे पद्मा पैसे बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।
पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे ब्लड कलेक्शन सेंटर हमने एक चालू किया है। एक मेरा फ्रेंड है उजैर नाम का, उनका फातिमा लैब है और यहाँ का MD जो है राहिल अंसारी सर है, उनके नेतृत्व में रिपोर्ट की जांच की जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे नगर सेवक माननीय श्री संतोष शेट्टी जी, इनके मैं एक हफ्ते पहले अन्ना से कहा कि अन्ना ये एक फातिमा लैब है जिनका भिवंडी में 4-5 ब्रांच है, वो लोग ऐसा 50% में रिपोर्टिंग में दे रहे हैं, तो उनका रिपोर्ट भी है वेल एंड गुड है, 100% सेटिस्फाइड है, लोगों का फीडबैक भी आ रहा है। तो अन्ना ने कहा कि एक गरीब के लिए अच्छा काम कर रहा है सीनू, स्टार्ट कर, मैं उसके लिए मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। और जो मेन थिंग क्या हो रहा है कि आज पद्मनगर में भिवंडी में जो भी डॉक्टर लैब का उनको बोलते हैं कि ये रिपोर्ट कराओ, तो कुछ लोग ये 4 महीने से लॉकडाउन हो गए हैं, लोगों के पास परिस्थिति बहुत गंभीर समस्या है पैसों का। और हमने सोचा है कि एक कलेक्शन सेंटर अपन एक पद्मनगर में स्टार्ट करें कि जिनको डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप मलेरिया टाइफाइड का एक टेस्ट कराओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 600 रुपये का रिपोर्ट होती है, हमने यहाँ पे पद्मनगर में 250 का वो रिपोर्ट का जांच किया जा रहा है। तो बेसिकली पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा है ये कि कुछ लोग पैसे के नए कारण से रिपोर्ट नहीं कराते, कि डॉक्टर साहब को भी समझ में नहीं आता कि ये लोग रिपोर्ट नहीं करा है कि मेडिसिन क्या दे उनको क्या चले, तो कुछ लोग कर दे कि नहीं नहीं तो रिपोर्ट नहीं कराने का अपन दवाई से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज के तारीख में रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कराएंगे तो डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट को देख के आपको मेडिसिन चेंज भी कर सकते हैं और मेडिसिन दे भी सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा आज स्टार्ट किया है अपने पद्मनगर एरिया में। और सबसे पहले आप सभी को, पत्रकार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप शामिल हो गए, और हमारे नगर सेवक जी है और हमारे शेखर सर है, हमारा सीनू अन्ना कुसुमा जी है, और हमारे BJP के जो यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है वासम राजेंद्र जी, उन्होंने भी आए, उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग भिवंडी वासी और पद्मनगर सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए, और जो रिपोर्ट अर्जेंट रिपोर्ट रहेगी उनको में हम लोग 2 घंटे का टाइम लेंगे, 2 घंटे में रिपोर्ट अगर व्हाट्सअप भी आएगा, मेल भी आ जाएगा, तापड़ तो हैंड रिपोर्ट भी दे देंगे। जिस तरह से टेस्ट करके जा रहे हैं तो उनको कैसे वापस बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद आइए या शाम को आइए? हाँ, उनको बताएंगे हम लोग, अगर वो लोग बोलेंगे हमको अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए तो 2 घंटे में मिल जाएगा, अगर शाम में रिपोर्ट चाहिए तो शाम में उनको बुला लेंगे, उनका फ़ोन नंबर लिया जाएगा, सभी चीज़ उनको फ़ोन करके बताएंगे आपका रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट ले लीजिए। यहाँ पे अपने जन औषधि मेडिकल है, यहाँ पे एक सेंटर हमने बना दिया है ब्लड कलेक्शन सेंटर, यहाँ पे खाली खून लिया जाएगा और रिपोर्ट जो है शाम में दिया जाएगा। डेली ये लोग बैठेंगे सुबह में 10 से 1 बजे के बीच में, फिर बाद में अगर शाम में भी किसी का कराना रहेंगे तो फ़ोन करके बुलाएंगे, उनको रिपोर्ट करा लेंगे। तो मैं अभी अभिनंदन करता हूँ सीमा जी को, जो इसने पंत्र प्रधान माननीय मोदी जी का जो जेनेरिक मेडिसिन करके निकाला है, और उस मेडिसिन के जो लॉन्च किया गया है जेनेरिक मेडिसिन, उसमें जिस दवा का कीमत 140 रुपये है, 200 रुपये है, उसका सिर्फ 20 रुपये मिलता है। और मैं खुद इसका अनुभव लिया हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेरा माँ बाप BP का पेशेंट थे, उसमें 140 का जो आता था वो जो स्लिप आज वहाँ यहाँ पर 30 रुपये मिलता है। बाकी हमारे मोदी जी ने जो स्कीम निकाले और बहुत सारे, उसमें लोगों को पब्लिक को हेल्प के लिए बहुत बहुत कुछ है। और साथ ही आज जो अभी कोरोना जैसी महामारी में लोग परेशान है, इसको सबको ध्यान में रहते हुए यहाँ के हमारे नगर सेवक संतोष शेट्टी जी के मार्गदर्शन में हमारे श्रीनिवास जी जो मेडिकल उसका ये भी है, और साथ में जिनके फातिमा करके लैब है उनके टैप करके उसने जो ब्लड कलेक्शन सेंटर खोला है, उसको पहले तो मैं उसका बहुत बहुत उसका आभारी हूँ। और साथ में उसने जो अभी तक टेस्ट जो था CBC SR CRP और जो ESR का 700 रुपये होता था, आज कम से कम उसका 260 में ले रहे। कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब लोगों का सेवा के लिए, और एक भी खोला है उनका बहुत हमको अपॉर्चुनिटी दी गई है, हमारे सर ने हमको बुलाया ये बताने के लिए कि हमको इस कठिन समस्या में, तो हमको क्या एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि हमको यहाँ पे एक लैब जैसा, एक कलेक्शन सेंटर जैसा डालने के लिए, ब्लड कलेक्शन सेंटर डालने की एक अपॉर्चुनिटी हमको दिया गया, जिसके अंदर हमने सर के बोलने की वजह से हमने और भी अथॉरिटी से हमारी अथॉरिटी से हमने और भी
बातचीत करी तो उन्होंने डायरेक्ट 50% डिस्काउंट में हमारे को करके देने का एक तो मौका दिया है, जिसमें पब्लिक का और आम जो जनता रहती है उनका वो सब फायदा होने के लिए, जिसके अंदर 50% डिस्काउंट हर एक टेस्ट के अंदर, जैसे हमारा टेस्ट अभी आता है, ये सब जो टेस्ट सर ने दिखा रहे हैं आपको, जो CBC क्रेट ESR CR2 वगैरह जो है वो आउटरेट जो है उसका 700 rupees होता है टोटल, तो हमारे सर ने हमारे जो बात रखी है वो 260 rupees में बात करी है, तो 260 rupees में आपको डायरेक्ट 50% डिस्काउंट के अंदर आपको हर एक चीज़ सुविधा करके दी जाएगी। क्या मतलब ये जैसा अभी ब्लड कलेक्शन जैसा हो गया, जैसा सर ने हमें बताया कि टाइमिंग जैसा रहेगा, टाइमिंग सुबह 11 बजे से 2 बजे के अंदर जो है वो टाइमिंग है कलेक्शन का, ठीक है। और रही फास्टिंग पीपी की बात जो है, फास्टिंग ब्लड का अगर शुगर की जो बात रहती है तो कॉल करेंगे सर, हमारे गरीब पेशेंट आते हैं तो उसके लिए हमने बंदे भी एडजस्ट करके रखे है, हमारे बच्चे भी आके उधर से कलेक्शन ले लेंगे। और फिर रिपोर्टिंग वगैरह का जो इशू हो जाएगा वो कैसा है कि अभी सुबह में जो रिपोर्टिंग गई है वो शाम में आपको रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, 6 बजे के अंदर आपको सब रिपोर्ट सुबह की आ जाएगी, और जो शाम का जो कलेक्शन जो रहेगा, जो भी सैंपल रहेगा, उसको हम नेक्स्ट डे के सुबह में हम 11 बजे ला के दे देंगे।